चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर सरगुजा जिले में खस्ता हाल सड़कों को लेकर सत्याग्रह संगठन समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल जिले के अंबिकापुर शहर सहित स्टेट हाईवे बनारस रोड का निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता शहर के सड़क सत्याग्रह संगठन सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं को सकते में डाल दिया है, क्योंकि इनके द्वारा सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद देर शाम पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बनारस रोड में चल रही निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने पहुंचे हैं, और इस दौरान अधिकारी ने तकनीक का सहारा लेते हुए सड़क की मोटाई सहित गुणवत्ता की जांच की है और ठेकेदार को बेहतर तरीके से निर्माण करने के भी निर्देश दिए हैं। सुजानदीप, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। देखिए, रोड का स्तर जो है बहुत खराब है, इसलिए क्योंकि एक साधारण से व्यक्ति जान सकता है कि जो रोड बन रहा है वो बहुत ही निम्न स्तर का, इसलिए क्योंकि रोड जब बनता है तो पहले उसको साफ किया जाता है झाड़ू से साफ करने के बाद उसमें तारकोल का लेप पहले लगाया जाता है, इसके बाद फिर डामरीकरण किया जाता है। गुणवत्ता को लेकर हमने नगर निगम के क्षेत्र की जो सड़कें उसकी जाँच की थी और उसकी गुणवत्ता उनके इंजीनियर के साथ परखी थी, तो फौरी तौर पर नगर निगम की जो द्वारा जो बनाई गई सड़कें हैं उनकी गुणवत्ता ठीक है। जो गुणवत्ता के विषय में सबसे बड़ा हमको डाउट है वो पीडब्ल्यूडी की सड़क पे है, जो बनारस रोड में हमने उसका सैंपल भी लिया है, वो तो हाथ से मिट्टी के ढेले की तरह टूट रही थी। लोग स्टार्ट किए हैं तो वहाँ का कुछ पार्ट छूटा हुआ है और इसको हम लोग 37 किलोमीटर तक DBM और BC करेंगे। अभी हमारा लगभग 5 किलोमीटर कम्प्लीट हो गया है और दिसंबर माह में हम कोशिश करेंगे कि लगभग हमारा 20 किलोमीटर कम्प्लीट हो जाए।